सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टेक्निकल सॉल्व को, इस लाल बटन को दबा कर साथ में दबाइए। तो इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं MIUI के अगले अपडेट यानी कि MIUI 18.12.27 यानी कि 17 दिसंबर 2018 के बारे में, और ये MIUI का लास्ट अपडेट है इस साल का। इसके बाद हम अगले साल यानी कि अगले फ्राइडे को अपडेट मिलेगी। मैं लेटेस्ट बीटा अपडेट पे अब देख लेते हैं पक्ष में क्या मिल जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है कि स्नैपचैट शेयर चैट का आइकन ऐड हो जाएगा व्हाट्सएप स्टेटस में। तो यदि आप कैलेंडर को ओपन करते हैं, ठीक, यहाँ पे आपको नीचे में क्या मिलता था, नीचे में मिलता था व्हाट्सएप स्टेटस का फोटो। जी अब आप खोलिएगा तो ये पहले आता था योर क्यूट डॉट इन से, अब ये आएंगे शेयर चैट से, ठीक है, जो कि एक कंपनी है यही से बनाती है एप्लीकेशन। उसके अलावा हम देख लेते हैं क्या और नया है। उसके अलावा नया है ये मेरे को पता नहीं क्या है, API करके मैंने एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर दिया। मेरा 25 दिखा रहा है रेडमी 4A, ठीक ना, तो अपना चेक कर सकते हैं API चेक करना नाम से एप्लीकेशन आता है। और उसके अलावा कैलेंडर बटन, कैलेंडर एप्लीकेशन में एक और अपडेट आया है, यहाँ पर जब आप ओपन करते थे यदि आपका नेट बंद करता था तो नीचे कस्टमाइज़ योर कैलेंडर का ऑप्शन आता ही नहीं था, लेकिन अब आता है वो ओपन कीजिएगा तो वहाँ पर वेबसाइट का ऑप्शन मांगेगा, ठीक। इसके अलावा अगले अपडेट की बात करें तो यहाँ पे देखते हैं अगले अपडेट में लिखा हुआ UI का फिक्स है, जो कि मेरे को कहीं पर नज़र नहीं आ रही, हो सकता है क्या होगा कुछ फिक्स उन्होंने। तो ये अभी लिखी हुई थी, अब इनके MI कम्युनिटी के अपडेट चले जाते हैं। तब तक के लिए हम बात करें तो इस अपडेट में ना तो हमें कुछ मिला ना ही कुछ मिला, ठीक ना, क्योंकि उसमें एयरफोन में ही ज़्यादा इशू था। तो चलिए MI कम्युनिटी ऐप ओपन हो चुका है, अब देख लेते हैं कि ये जो चेंज लॉग है इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो ये ओपन हो गया, थोड़ा सा टाइम लगा पता नहीं क्यों, तो ये ओपन हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा हुआ है सिक्योरिटी सेंटर, पोर्ट क्लोज हो जा रहा था पोको F1 में, उसको ओपन कर दिया जाए ये सिक्योरिटी एप्लीकेशन के अंदर, ठीक ना। उसके अलावा बात करें तो यहाँ पे एंड्रॉयड सेटअप रुक जा रहा था पोको F1 में, जिससे कि आप यहाँ पे अकाउंट में जैसे गूगल का अकाउंट सेटअप करने की कोशिश कर रहे थे या फिर वहाँ पे फ़ोन करने को कर देते तो स्टॉप हो जाता था। उसके अलावा ऑटो ब्राइटनेस कम नहीं कर रहा था मिनट में, जो कि यहाँ पर दिया हुआ रहता है, लेकिन मैंने नीचे है मैं आपको दिखा देता हूँ, ऑटो ब्राइटनेस वाला ये कम नहीं कर रहा था, तो जो जब वाला नहीं कम कर रहा था तो कुछ दिया गया। उसके अलावा स्क्रीन लॉक में यदि आप पासवर्ड डालते थे तो आपका स्क्रीन ब्लैक हो जा रहा था, फोन में उसको भी फिक्स कर दिया गया। उसके अलावा आप यदि फ़ोन को रिबूट करते थे तो आपका फ़ोन स्क्रीन क्लिकर हो जा रहा था, पोको फोन में कोई फिक्स कर जाएगा, कमरा नहीं काम कर रहा था रेडमी नोट 6 प्रो में, ठीक ना, कोई फिक्स कर दिया गया। और यहाँ पे ये शेड्यूल वाला जो है फोन ऑन ऑफ इसको भी फिक्स कर दिया गया, ठीक। और उसके अलावा MIUI क्लाउड बंद हो जा रहा था रेडमी नोट 3 में, उसको भी फिक्स कर दिया गया। व्हाट्सएप अब आपके फुल स्क्रीन पे भी चलेगा, ठीक, व्हाट्सएप को अब आप फुल स्क्रीन चला सकते हैं रेडमी 6 प्रो में। और हॉटस्पॉट का डबल आइकन आ जा रहा था सही जो है उसको भी फिक्स कर दिया गया है, जैसे कि मैं देखिए आपको हॉटस्पॉट खोल के दिखाता हूँ। जब हम हॉटस्पॉट खोलते हैं तो अभी देखिए ऊपर में एक नया आइकन आया, यहाँ पे देखिए एक नया आइकन आया, पहले डबल डबल ही आ जाता था मेरे साथ हो रहा था ये, ठीक ना, तो इसको फिक्स कर दिया गया है। इसके अलावा एक और फिक्स हुई है कि वॉल्यूम बटन खुद ब खुद कम हो जा रहा था, ज़्यादा हो जा रहा था रेडमी नोट 5 प्रो में, कम हो जा रहा था उसको फिक्स कर दिया गया। उसके अलावा ये मिक्स 3 में कोई एक वॉलेट है जो NFC के थ्रू चलता था, उसमें कुछ प्रॉब्लम था, यूज नहीं हो पा रहा था, उसको भी फिक्स कर दिया गया। तो यही थे आज के अपडेट सारे, ये थे इस साल की अंतिम अपडेट MIUI की तरफ से, MIUI की तरफ से, ठीक ना। मिलते हैं आपके अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, होप आपको वीडियो पसंद आया हो, लेकिन कुछ नहीं आने वाला।